सॉलिड सिलेंडर रोल अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एट अ बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप टू द प्लेन. सेकेंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम. ओके, तो ऊपर से रोल, नीचे से रोल होकर ऊपर जा रहा है ये, ठीक है. तो ये कितना ऊपर जाएगा ये अपने को एल फाइंड करना है डिस्टेंस. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाइट फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि हाइट फाइंड करना मेरे लिए ईजी है. वो कैसे फाइंड करेंगे हाइट, अपन यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ होगी क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी. तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इनिशियल मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी MGH के इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दो है, एक तो आपका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है. तो एक आ जाएगा हाफ MV स्क्वायर और एक आ जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर. क्लियर, ये हो जाएगा MGH के इक्वल. तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हाफ MV स्क्वायर और ये आ जाएगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सॉलिड सिलेंडर है ना, तो ये आ जाएगा MR² / 2. ओके, और ये ओमेगा को मैं V² / R² लिख देता हूँ, यानी R² कैंसिल आउट. तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 3/4 MV² ओके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MGH आ जाएगा. तो यहाँ से MM कैंसिल आउट, तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, H इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई G और V² राइट. वैल्यू पुट करते हैं 3/4 V का स्क्वायर यानी 25 और G यानी 9.8. आंसर निकालते थे यहाँ 1.911 मीटर, ये अपने पास हाइट आ गया. अब अपन साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि L इज इक्वल टू H बाई साइन थीटा. ओके, एच कितना है अपना 1.911 और साइन 30 कितना था 1/2, तो ये आ जाएगा 2 × 1.911 यानी ये आ जाएगा आपके पास 3.82 मीटर. कितना लेंथ ट्रैवल करेगा, 3.82 मीटर. बी पार्ट में टाइम पूछा है, टाइम क्या होगा ऊपर जाने में और वहाँ से नीचे आने में. तो देखो जितना टाइम जाने में लगा होगा उतना ही टाइम आने में लगेगा. तो मैं टोटल टाइम की बात करता हूँ तो 2 times of t या जाने या आने में टाइम लिख देता हूँ. अगर मैं सिर्फ जाने की बात करता हूँ या फिर आने की बात करता हूँ तो इनिशियल स्पीड फाइनल जीरो है और फाइनल स्पीड क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ग्राउंड पर 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनली जीरो है क्योंकि यहाँ से वापस आ रहा है ना ये. ओके, तो अपने पास फाइनल स्पीड है. एक्सेलेरेशन कितना आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा G sin θ 1 + K/R राइट, यानी कि आ जाएगा G sin θ 1 + 1/2 राइट. ये कितना आ जाएगा 3/2, तो ये 2/3 G sin θ, ये आपका एक्सेलेरेशन है. ओके, साइन थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो ये आ जाएगा साइन थीटा की आ जाएगा 1/2, तो 2 कैंसिल यानी G/3 यानी कि 9.8 / 3 यानी 3.26 एक्सेलेरेशन है राइट. ओके, तो न्यूटन भाई साहब की इक्वेशन यूज़ करते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन. तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/A आ जाएगा क्योंकि यू तो जीरो है, यहाँ से आने की बात कर रहा हूँ. तो अपने पास टाइम एक जाने का आ गया V/A राइट. तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम की बात करें 2 times of t आएगा यानी कि 2 × V/A. ओके, तो 2 × V कितना है 5 मीटर पर सेकेंड और A कितना है 3.26 यानी कि 10/3.26. तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटल टाइम आ जाएगा 3.06 सेकेंड या अप्रोक्स बोले तो 3 सेकेंड लगेगा आने और जाने में.